मैं कुछ बोलना नहीं चाहती मुझे खबर मिली है इसलिए मैं लास्ट तक कुछ नहीं बोलती आई एम वेरी सुपरस्टिशियस तो आज आपको नॉमिनेट किया गया है आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के लिए क्या कहना चाहिए इट्स ऑलवेज यू नो अ प्रिविलेज टू बी अवार्डेड और नॉमिनेटेड इन एनी अवार्ड्स बिकॉज हमें इनकरेज किया जाता है कि हम बेटर करें सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर और आप बहुत ही ब्यूटीफुल हमेशा से आप जब भी रेड कार्पेट पे हटके कौन सी डिजाइनर आपके आई एम वेयरिंग सोनाक्षी राज टुडे एंड या शी इज ऑलवेज वेरी डिफरेंट विद हर डिजाइंस एंड दैट इज व्हाई आई लुक डिफरेंट ओके एरिका आई जस्ट वांटेड टू नो शाहिद की यहां पे क्यूट सी बेबी आई है जी व्हाट इज योर टेक ऑन दैट हैव यू मेट हर और व्हाट डू आई कॉल हर रसगुल्ला बिकॉज़ शी इज लाइक अ रसगुल्ला आई Have you met her or something? No, I have seen her pictures, but I have not met her because we were too busy shooting and everything. But hopefully soon I will get to meet her. Ma'am, south mein to aap apne hote hain. Are south pe hi hatke hum abhi TV ki baatein karte hain na? Lekin film ka se thoda sa agar aap bata sake to kaun si film aap kar rahe ho? Main kuch nahi bata rahi, koshish bhi mat karo. Hame hi lagana padega. कैसी खबरें अगर ऑफ एयर होना था तो अब तक हो ही जाता ना जैसे रूमर्स आते नमस्कार पूछिए किसी को कुछ पूछना किस आज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज अच्छा पहले शुरू ही किया किस मतलब क्या ये क्या अच्छा माहौल है तो अच्छी ही उम्मीदें हैं अब अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या है मेरी शुभकामना सबको ये शाम मज़ेदार हो आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड हाँ मुझे नाम नहीं मालूम इवेंट का नाम मालूम हाँ हाँ यार चार फिल्में हैं जो वेट कर रहा हूँ रिलीज़ की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आधार एक साउथ की फिल्म है उसका नाम अभी फाइनल नहीं है मतलब हिंदी में है रीमेक है एंड वन मोर फिल्म सिया तो आई एम वेटिंग फॉर दैट और इस लॉकडाउन ने काफ़ी कुछ नया नया अनुभव कराया हर किसी को और मुझे लगता है हम सभी काफ़ी मजबूत होके निकल के आए हैं तो इस मजबूती के साथ अब और बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे थैंक यू यहाँ पे आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे आई डोंट नो एक्चुअली मुझे वो लोग नॉमिनेट किया मुझे अवार्डीज बनाया आई डोंट नो फर्स्ट टाइम मैं ये अवार्ड ले रहा हूँ एंड
चलो अवार्ड क्या होता है कि एक हौसला होता है, आई थिंक ये मिलने के बाद एक लाइबिलिटीज और बढ़ जाता है, हर अवार्ड का वही मायने रखता है। आई थिंक दिस इज गुड फॉर एंड डेफिनेटली आई एम ऑनर्ड। अवार्ड की अगर बात करें, आप सीनियर एक सिंगर हैं, सबसे पहले अवार्ड की कोई याद, कोई मेमोरी आप बताना चाहेंगे, पहले अवार्ड, पहला अवार्ड आपको आपकी लाइफ में मिला? देखो पहला अवार्ड तो पहला फिल्म फेयर जब मिला था, दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड। पहला फिल्म फेयर आपको मालूम होगा आशीर्वाद से मिला था, एंड वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और तब अवार्ड का कुछ मायने होता था। हाँ थैंक यू, थैंक यू। सर सर दो लाइन अगर आप कोई, अरे यार Congratulations. Thank you guys.